तो फाइनली हमारी इलेक्ट्रा में डिस्क ब्रेक लग चुका है, और डिस्क ब्रेक लगने के बाद आपको जो सबसे पहला देखना है कि हमारा टायर बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। एक बार हम टायर घुमा के दिखाएंगे, और टायर हमारा बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। टायर फ्री नहीं घूमेंगे, डिस्क ब्रेक लगा के कोई फ़ायदा नहीं, गाड़ी बहुत ज़्यादा टाइट चलेगी और जाम चलेगी। इसमें हमने क्या क्या करा है वो ज़रा आपको दिखाते हैं। जो मेन मतलब कॉन्सेप्ट क्या था हमारा मेन, कि गाड़ी के अंदर कम से कम चीज़ें चेंज करी हैं, और ब्रेक पैंडल को ऐसा इजी बनाया है, कोई डिफ़िकल्ट मतलब बोले तो ज़्यादा उसके अंदर छेड़खानी ना की है। तो ये सब हमने इसमें कवर किया है, ज़रा आपको दिखाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से बात करेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आपकी गाड़ी में क्लासिक, स्टैंडर्ड या फिर इलेक्ट्रा, इसमें रियर डिस्क ब्रेक कैसे लगाया जाता है और इसके पीछे कितना खर्चा आएगा। तो इस टाइप का कुछ कैलिपर होता है और काफ़ी छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली और जो आसानी से मिलते नहीं हैं, और वो कितने के बैठेंगे और पूरा खर्चा कितने का आएगा। तो आज पहला पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्या क्या सामान लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, झूला आ रखा है, अडैप्टर आ रखा है, डिस्क प्लेट, इस पॉकेट और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताते रहता हूँ, और उसके रेट एमआरपी क्या है, उसका एमआरपी है वो भी आपको दिखाते रहते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये है पीछे का कैलिपर, जिसके अंदर एक फ्यूल डिब्बी है, जिसके अंदर हमारा ब्रेक ऑयल आता है। सबसे पहले पीछे का कैलिपर, और ये आएगा पंप। ठीक है, तो ये मेरे को 5,500 रुपये का इतना आइटम बैठा है। इसका बॉक्स था, आई डोंट नो कहाँ चला गया, 2 महीने पहले का है। इसके अंदर है चैन गार्ड, 85 रुपीज़। और इसके अंदर मेरे ख्याल से इस पॉकेट था, 1675 रुपये का इस पॉकेट, 60-60 रुपये के 2 पैकेट नट बोल्ट हैं जो हमारे पीछे ड्रम में लगेंगे इस पॉकेट में। ये बैठा है 1800 रुपये या 1900 रुपये का था, क्योंकि इसका भी डब्बा है नहीं। ये बैठा 800 रुपये का, इसको अडैप्टर बोलते हैं। यह है चैन पैड, 300 रुपये का। पिछले टायर का एक्सल 434 रुपये का, 35 रुपये का। पीछे की घोगली और उसका नट, जो पीछे का हाफ एक्सल होता है ना, 315 रुपये का। जो झूला होता है उसका एक्सल 121 रुपये का। ये रहा चैन एडजस्टर बोलते हैं इसको, मैं अगर दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का रहेगा। और यह है 385 रुपये का, जो हमारे बीच में कोन लगती हैं, जो डिस्टेंट कोन बोलते हैं, ये हमारा 220 रुपये की। और ये कैंची के बुश का पाइप, 275 रुपये का। पाइप कौन सा, जो इसके अंदर लगेगा। ये चैन गार्ड का पत्ती है, चैन गार्ड जहाँ लगेगा। और ये हाफ एक्सल के नट 120 रुपये के। और अलॉय व्हील हमारे 5,500 रुपये का है। टायर हमने 2800 रुपये का डाला, और इतना ही सामान है। अब देखना है कि इसको फिट करते समय क्या क्या चीज़ों की परेशानी आती है, और इसको सबसे आसान वे में कैसे लगाया जाए। मतलब कि ये नहीं कि जो मैंने करके दिखाया ये कहीं और नहीं हो सकता, वो तरीका दिखाएंगे जो नॉर्मली इंसान कहीं पे भी बना सकता है। तो ये है वो बाइक जिसमें हम इंस्टॉल करेंगे रियर डिस्क ब्रेक, और इलेक्ट्रा है, मैं इलेक्ट्रा में दिखा रहा हूँ। आपके पास स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड में भी हो सकता है, और क्लासिक है तो क्लासिक में भी, और थंडरबर्ड में ऑलरेडी आता है। तो मेरे पास कुछ टूल हैं, मैं थोड़ा टूल भी स्पेशल रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने कुछ स्पेशल टूल का यूज़ करेंगे। ये हमारे गोरी डामी हो गए, और छोटे पेचकस, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये 2 किट हो गई। तो अब काम को स्टार्ट करते हैं।
और पीछे का हिस्सा पूरा खोल लेते हैं, जिससे आपको डिटेल में वीडियो में बताते रहेंगे कहाँ पे कौन सा चीज खोलनी है। Strangers, believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools, baby. Beware of my bite. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a shadows in the corners of your mind. I go with the windows, I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering my name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a strangers, believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools, baby. Beware of my bite. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a shadows in the corners of your mind. I go with the windows, I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf.
I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a तो फाइनली डिस ब्रेक तो लग गए और गाड़ी इलेक्ट्रा है। ये स्टैंडर्ड में भी लग सकते हैं, क्लासिक में भी लग सकते हैं और इलेक्ट्रा में भी, और थंडरबर्ड में ऑलरेडी आते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो हमारे सामने है वो है ये कि जो ब्रेक पैंडल था, ब्रेक पैंडल ओरिजिनल रहने दिया जाएगा और इसी के ऊपर कोई ऐसा जो कम बजट के साथ स्टार्ट होता है, और वो सिस्टम हमने यहाँ पर बना रखा है ये, और यहाँ पे ब्रेक बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं एक बार मैं आपको ज़रा दूर से दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे ये सब कुछ लगाया गया। तो उसके अब सब देख लेते हैं कि ब्रेक काम कर रहे हैं या नहीं, जिसके लिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लगा के देखते हैं। देखा ब्रेक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और टायर हमारा फ्री रहना चाहिए। मैं फिर भी यही कहूँगा कि हमारा टायर फ्री रहना चाहिए, और सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि यहाँ पर हम अच्छे से इसको फिट कर सकें। तो मैंने यहाँ पर दो होल किए और यहाँ पर एडजस्टर डाला, उसके बाद इसको टाइट कर दिया और बहुत अच्छे से काम कर रहा है देखिए। तो यही था, अगर आप बनाना चाहते हैं तो 17,000 रुपये के अंदर नॉर्मली आराम से लग जा रहा है। आप कहीं से भी दिल्ली से काइनेमेटिक से सामान लीजिए या किसी भी रॉयल इनफील्ड शोरूम से लीजिए, अच्छे से सामान लीजिए, ओरिजिनल चेनमैन पार्ट लीजिए और आपका बन के तैयार हो जाएगा। और बताइए वीडियो कैसा लगा, आपको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। अगर आपने मेरे को अभी तक का इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके मेरे को फॉलो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो नए अपडेट है वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।